एक बहुत ही अच्छा मौका है और आज विकासिता कुमारी जी के समर्थन कैंडिडेट के समर्थन में बैठ रहे हैं। आज हमारे बीच राजेश राम जी, विकासशील इंसान पार्टी जिस तेजी से बढ़ रही है, पूछा में बिल्कुल एक तरफा जो लड़ाई हो रहा है और उसके लिए वो दिख भी रहा है। और आज एक अच्छे पार्टी से हमारे भाई हमारे समर्थन में बैठ रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि पहले पृथ्वी कुमार माली जी दो शब्द कहें और उसके बाद फिर मैं वीआईपी के सुप्रीमो आज के सबसे चर्चित नेता श्री मुकेश सहनी जी से आग्रह करूंगा कि वो भी दो शब्द कहें। श्री पृथ्वी कुमार माली जी, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पृथ्वी कुमार माली, भारतीय जन परिवार पार्टी का अपना पूरा समर्थन वीआईपी पार्टी को देता हूँ। और जहाँ विधानसभा में ये जीत करे और समाज को आगे ले जाने का काम करे, आज पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित की राजनीति खत्म करने की जो चाह रखने वाले हैं, जो चाहते हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में अति पिछड़ी की राजनीति का और महान दलित की राजनीति खत्म कर देगा पूरे भारत से। भारतीय जन परिवार पार्टी हमेशा पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और अल्पसंख्यक का पार्टी रहा है, सहयोग किया है। हम चाहते हैं कि वीआईपी आगे जाए, हम लोग को भी साथ लेके चले। आने वाले दिनों में हम वीआईपी, भारतीय जन परिवार पार्टी का दोनों एक साथ जो है आने वाले दिनों में अच्छा प्रदर्शन करेगा। इसी के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इनके प्रत्याशी राजेश कुमार अरोड़ा जी हैं, वो भी दो शब्द अपने कहेंगे, क्योंकि प्रत्याशी खास करके वीआईपी के प्रत्याशी को समर्थन दे रहे हैं, ये भी अपनी बात। सबसे पहले अरोड़ा जी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी मीडिया बंदियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम जो पिछले बार भी चुनाव लड़े थे, मेरा नाम राजेश राम रमैया हुआ, मैं पिछले बार भी चुनाव लड़ा। पिछले बार चुनाव लड़ने के क्रम में मुझे 4000 मत प्राप्त हुए थे, गिनती में चौथा स्थान थे, तीसरा स्थान थे, लेकिन चौथे स्थान पर हम आए थे और बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा है। इस बार जब हम अगली बार नहीं बैठे और इस बार की परिस्थिति को देखते हुए अध्यक्ष जी के साथ जो हुआ घटना, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो घटना हुआ उससे हम मुझे बहुत दुख हुआ कि ये अति पिछड़ों के साथ धोखा दे रहे हैं। आज ये अति पिछड़ा, दलित का, अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़े हैं तो भाजपा इसे दबाना चाहती है और भाजपा जो दबाना चाहती है, हम लोग उनका मनसा का कामयाब नहीं होने देंगे। और हम सभी बिहार के सभी लोगों से कहना चाहेंगे कि जो भी छिटपुट है वो अध्यक्ष जी के हाथ को मजबूत करे और वीआईपी पार्टी, भारतीय जन परिवार पार्टी आज समर्थन दिया है और आने वाले कल में अध्यक्ष जी का साथ भारतीय जन परिवार पार्टी को मिलता है, आगे भी चलेंगे। मैं राजेश राम रमैया, मैं मेहतर समाज से आता हूँ। बिहार में हमारी आबादी 1.5% के आसपास है, हमारा बचा विधानसभा में 4000 समथिंग विधानसभा में वोटे है, बहुत से ऐसे विधानसभा है जहाँ पे 10,000-12,000 वोट है और आज इन्होंने राजनीति से वंचित समाज को अपने साथ लाने का काम किया और उससे भी ज्यादा काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पृथ्वी कुमार माली जी किए, जो हम दोनों ने मिलकर एक पार्टी बनाया, भारतीय जन परिवार पार्टी। तो हम लोग सोचे नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हाथ को मजबूत किया जाए कि जो घटना इस तरह बिहार में हो रही है, कल पृथ्वी कुमार माली जी के भी साथ हो सकता है, कल हमारे साथ भी हो सकता है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि पर को कतर दे, जो बढ़ रहा है उसके पर को कतर दिया जाए। तो इसके नाकाम मयाब करने के लिए हम लोग वीआईपी का सपोर्ट कर रहे हैं और वीआईपी का साथ दे रहे हैं और अध्यक्ष जी का ये होगा कि हमें कदम से कदम मिलाकर चले और हमें भी उस मान सम्मान दे जो हम इनको आज समर्थन कर रहे हैं। बस इसी बात में बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जन परिवार पार्टी के अध्यक्ष पृथ्वी माली जी और उनके प्रत्याशी रमैया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने वीआईपी पार्टी को समर्थन देने के लिए आप मैदान में आए हैं। चुनाव लड़ा था और उससे पूर्व में आप वीआईपी पार्टी के पदाधिकारी थे और आज आपका कह सकते हैं कि आप समर्थन दे रहे हैं। अपने घर को मजबूत करने के लिए आपने निर्णय लिया है,
तो विशेष तौर पे आपको धन्यवाद देता हूँ और पृथ्वी माली जी को भी बहुत बहुत कि आपने एक अति पिछड़ा समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए अपने बाबू तो उस उद्देश्य से आपने पार्टी बनाया है। दिखता जा रहा है कि आप एक अति पिछड़ा को बेटा को आपने यहाँ पे चुनाव में मैदान में समर्थन दे रहे हैं और अपने प्रत्याशी को विड्रॉल कर रहे हैं, उनका समर्थन दे रहे थे, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आज विधानसभा में मजबूती से वीआईपी पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं, हर जाति धर्म के लोगों को सहयोग मिल रहा है और बहुत ही अच्छी तरीके से चुनाव जीत के आएंगे, हर जाति धर्म के लोगों का सहयोग मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर आप सभी को धन्यवाद। इस मंच पे हमारे हमारे राजीव मिश्रा जी हैं, हमारे जिला के पार्टी के वरीय पदाधिकारी भूपेंद्र सहनी जी हैं, आप सभी को धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि राजेश कुमार रमैया जी को मैं एक माला पहना के उनको स्वागत करूं। धन्यवाद। पूछना है आपको? और भी एक प्रत्याशी है, उनके बारे में बात करेंगे, अभी फिलहाल तो ये यहाँ तो खत्म हो गया। आगे का तो देखिएगा ना, अभी पिक्चर अभी बाकी, अभी ट्रेलर तो पहले बनाने दीजिए। देखिए ना, ये रहेगा ना यूपीए रहेगा, ना ही हम किसी के पास निमंत्रण भेजने के लिए जाने वाले हैं। हम अपने आप में सक्षम है, हम अपनी लड़ाई लड़ने के लिए अभी मैदान में लड़ेंगे और मजबूती से पार्टी को मजबूत करेंगे। और जब भी हमने पार्टी बनाया उसके बाद लोगों ने हमारे साथ और साथ लेके आगे बढ़ने का हमसे वादा किए, लेकिन जो लोग भी साथ चलने का वादा किए वो लोगों ने बीच में ही निषाद समाज को वीआईपी पार्टी को गुमराह करने का काम किया। तो ऑलमोस्ट लोगों ने अपने अपने चेहरा समाज के बीच, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है संघर्ष के अलावा, और हम संघर्ष करते रहेंगे और आगे देखा जाएगा कि किस तरीके से होगा। अभी तो पूरे प्रदेश में 40 लोकसभा सीट का तैयारी करना है, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में पार्टी को मजबूत करना है, झारखंड में कुछ सीटों को मजबूत करना है, उसके लिए तैयारी करना है। अभी फिलहाल तो हमारा फोकस है कि बोछा विधानसभा में हमारे प्रत्याशी डॉक्टर गीता मदद करके और सीट को जीते, ताकि पूरे बिहार में निषाद समाज का, अति पिछड़ा समाज का गौरव और मान सम्मान सब। जितने भी लोग सामाजिक न्याय के लिए है, जो लोग पिछड़े समाज को ऊपर बढ़ाना चाह रहे हैं, तो निश्चित तौर पे हमारा भी दर्द वही है। और ऐसे मुहिम में जो लोग साथ मिलेगा तो निश्चित तौर पे मैं स्वीकार करूंगा और उन साथी को गले लगाऊंगा और आगे बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। पार्टी का पहले से घोषणा पत्र में है कि बिहार में जितने भी सीट होगा, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, उसमें 33% संख्या समाज को टिकट देंगे। अपने लोकसभा में भी 3 में से 2 सीट हमने अति पिछड़ा को दिया है, बिहार विधानसभा में भी 11 सीट में हमने 4 सीट पिछड़ा को दिया है। तो हम जो वादा किए हैं अति पिछड़ा समाज से, वो हम पूरा कर रहे हैं और इसी तरीके से सभी साथी मिलते रहेंगे और उनको सामने ला के उनको मदद करते रहेंगे। आज तक माली समाज में किसी को कोई टिकट नहीं दिया, आज से पहले हमने अभी लखननाथ पंडित जी को किशनगंज में टिकट दिया, जो कुम्हार समाज साथ है उसको आजादी से लेकर अब तक कभी किसी ने टिकट नहीं दिया, उसको हम लोगों ने 2020 में टिकट दिया। तो जो समाज राजनीति से वंचित है, ऐसे समाज को हम लोग राजनीति में लाना चाहेंगे और इसके लिए हम लोग मुहिम तेज किए हैं और सभी वाले साथी को हम लोग साथ लाएंगे। जो लोग निमंत्रण देने उनको धन्यवाद दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं निमंत्रण को स्वीकार नहीं करूंगा के लिए। अभी अपने आप को और मजबूत होने की आवश्यकता है, आज हम कमजोर है, इसलिए लोगों ने हमारे साथ गलत किया है, हमारे पार्टी को तोड़ लिया है, हमारी सीट को कब्जा कर लिए हैं, हमें हमारे घर से, हमारे सरकार से हमको बाहर कर दिए हैं। तो आज हम कमजोर हैं, इसलिए लोग ऐसे, जब हम मजबूत हो जाएंगे तो शायद मुझे लगता है कि कोई इस तरीके से काम नहीं करेगा। जी हाँ, देखिए सरकार हमने बनाया था, तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने बताया ये सरकार हमने बनाया, उस समय में अगर हम समर्थन नहीं देते तो शायद सरकार नहीं बनता। ये सरकार बनाए तो फिर हमारे घर से हमको निकालने वाले कौन होते, तो इसलिए हम वहाँ पे मजबूती से थे, लेकिन जिनके पास ज्यादा ताकत है वो जबरदस्ती निकाले, जब जबरदस्ती निकाल ही दिए तो हम निकल चुके हैं और जिस रोज हमारा समय आएगा तो उस चीज को हम फिर कब्जा करेंगे।
जीतन राम मांझी जी तो सामाजिक न्याय को मजबूती से बात को हमेशा रखते हैं और अभी हाल फिलहाल में तो कोई बातचीत नहीं हुआ, लेकिन हमेशा उनका शुभकामना हमारे साथ है और हमारे अभिभावक के तौर पे है और निश्चित तौर पर उनसे राय विचार लेके हम लोग आगे सामाजिक न्याय को मजबूती देंगे। बीजेपी से खटास को लेकर हम लोग एक चीज जानना चाह रहे हैं, नहीं अभी इस पे उन्हीं के नेता लोगों का जो बयान सुनेंगे तो सब अलग अलग बयान दे रहे हैं। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष ने खुद ही कहा कि पार्टी विलय करने की बात हुआ, तो ये भी लोग कहना चाहिए गलत था कि पार्टी विलय करने के लिए उस तरीके से बात हो रहा था, प्रेशर दे रहा था। ये बात सही है कि वो प्रेशर दे रहा था और इसके लेके पार्टी खत्म करने का निर्णय लिया है, तो ये सारे चीजें समय आएगा, इसका सबका जवाब दिया जाएगा। अभी वो शक्तिमान है, उनके पास सब ताकत है, तो वो सारे अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम कमजोर हैं तो हम सहन कर रहे हैं। एक समय आएगा हम लोग प्रदेश में जनता 12-13 करोड़ जनता के लिए काम करेंगे। धन्यवाद।